हाय दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके मोबाइल सिम में कितने पॉइंट्स है और उस पॉइंट से आप लोग इंटरनेट या पैसा भी आप लोग अर्न कर सकते हैं या आप लोग एमबी भी खरीद सकते हैं। तो उसको कैसे चेक करना है और आपके मोबाइल में कितने पॉइंट्स है, उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। मैं आप लोगों को इसमें पूरा डिटेल बताते जाऊंगा। आप लोगों को *1100 हैश दबाने के बाद कॉल बटन को क्लिक करो। क्लिक करने के बाद उसका एक मेन पेज आप लोगों को सामने दिखाई देगा। इसमें आप लोगों को क्या करना है, 3 नंबर को सेलेक्ट करना है, मैं अकाउंट एंड नैक्टी बोल के उस 3 नंबर को आप लोगों को इधर इंटर करना है। बाद में सेंड को बटन को क्लिक करना है। सेंड बटन को क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप लोगों को एक 1 क्रेडिट ट्रांसफर यानी आपका क्रेडिट जो पॉइंट है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। 2 है उसमें नेगेटिव पॉइंट कितने हैं वो आप लोगों को देखना है। तो सिंपल आप लोगों को 2 लिख के इधर सेंड को क्लिक करना है। सेंड को क्लिक करेंगे तो बाद में नेगेटिव बोल के एक पूरा डिटेल इसमें आएगा। इसमें आप लोगों को पॉइंट कितना है वो देख सकते हैं, पॉइंट कितने टाइम में एक्सपायर होना है वो भी देख सकते हैं। 1.8 पार्टनर्स अलग अलग ऑप्शन है। देखिए आप लोगों को अगर पॉइंट देखना है तो 1 को क्लिक करना है, बाद में उसको सेंड करो। सेंड करने के बाद जो आपका सिम में कितने पॉइंट्स है आप लोगों को इधर दिखाई देगा। इसमें 100 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स और अलग अलग 400 पॉइंट्स में अलग अलग ऑप्शन आप लोगों को पैसा मिलता है। तो इसके नीचे ही लिखे रहता है, जैसे कि आप लोगों का 200 पॉइंट हो गया तो आप लोग 100 पॉइंट्स का ऑप्शन खरीदना चाहते हैं या 200 पॉइंट्स का खरीदना चाहते हैं वो ऑप्शन आप लोगों को इधर दिखाई देगा। उसमें आप लोगों को टॉक टाइम मिलेगा या इंटरनेट मिलेगा या आप लोगों को मोबाइल में बैलेंस भी मिल सकता है। इस तरह से आप लोग अपने मोबाइल का पॉइंट्स चेक करके पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं और आप पैसे के तौर पर या इंटरनेट के तौर पर उसको यूज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करो और भी मेरे वीडियोस है आप लोग प्लेलिस्ट में या वीडियो फोल्डर में जाके देख सकते हैं।